हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों अपन पढ़ेंगे अल्टरनेटर के भाग, पार्ट्स ऑफ अल्टरनेटर। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, लास्ट वीडियो में अपन ने अल्टरनेटर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अल्टरनेटर के इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था अल्टरनेटर जो है, अल्टरनेटर एक ऐसी युक्ति है जो अल्टरनेटिंग करंट देती है, प्रत्यावर्तक। अल्टरनेटर को अपन हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्तक, मतलब जिससे अपन को प्रत्यावर्ती धारा मिलती है, इसीलिए उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्तक, जो यांत्रिक ऊर्जा से अपन को एसी विद्युत धारा देता है, अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा देता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रत्यावर्तक बोलते हैं। साथ ही साथ लास्ट वीडियो में अपन ने उसकी बनावट और संरचना के बारे में पढ़ा था। पार्ट्स जो है, इसके जो विभिन्न भाग है, यहाँ पे ये देखो इस चित्र में दिखा रखे हैं, ये इसका रोटर है, अल्टरनेटर का ये रोटर है और एक ये स्टेटर है। मुख्य भाग कौन से होते हैं दोस्तों, एक तो स्टेटर और एक रोटर और एक एक्साइटर, ठीक है। ये तीन मुख्य भाग होते हैं इसके, किसी भी अल्टरनेटर के मुख्य भाग जो है तीन, हालांकि और भी छोटे मोटे और भी पार्ट्स होते हैं, बट मुख्य भाग होते हैं तीन। इन तीनों ही पार्ट्स को जो है आज अपन डिटेल से समझेंगे, ठीक है दोस्तों। तो फर्स्ट आता है दोस्तों स्टेटर, फर्स्ट है स्टेटर, यस। बना हुआ किसका होता है दोस्तों, स्टेटर हमेशा बना होता है सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन का, यह है सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन का बना होता है, का बना होता है। क्यों बनाते हैं दोस्तों सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन का, क्यों बनाते हैं, क्योंकि भंवर धारा सत्यां, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं अपन एडी करंट लॉसेस, एडी करंट लॉसेस कम करने के लिए, कम हो। स्टेटर जो है दोस्तों सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन का बना होता है, क्यों, क्योंकि भंवर धारा सत्यां कम हो। कोई सी भी मशीन है, उसका कोई सा भी भाग है, यदि मान लो कोई सा भी पार्ट है वो सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन का बना है, इट मींस वो भंवर धारा सत्यां कम करने के लिए बना हुआ है, राइट। काफी बारी क्वेश्चन पूछा जाता है, यस। नेक्स्ट है देखो दोस्तों स्टेटर से संबंधित, स्टेटर में जो है अपन आर्मेचर वाइंडिंग स्थापित करते हैं, तीन फेज वाइंडिंग स्थापित करते हैं, या फिर अपन उनको आर्मेचर वाइंडिंग भी बोल सकते हैं। स्टेटर में तीन फेज वाइंडिंग स्थापित की जाती है दोस्तों। ये स्टेटर है, ये जो भार वाला भाग है ये स्टेटर है, और इस स्टेटर के अंदर ये जो स्लॉट्स हैं इन स्लॉट्स में आर्मेचर कुंडलन या फिर सिंपली तीन फेज कुंडलन जो है स्थापित करते हैं। और दोस्तों इन्हीं कुंडलनों में तीन फेज ऐसी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ये जो तीन फेज कुंडलन है, इन तीन फेज कुंडलों में ही जो है तीन फेज एसी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ये जो स्टेटर वाइंडिंग है, तीन फेज जो वोल्टेज उत्पन्न होगा दोस्तों, वो कहां होगा, इन आर्मेचर कुंडलनों में ही उत्पन्न होता है, इसी वजह से जो है अपन कुंडलन यहां पे स्थापित करते हैं। यस, उतारो। स्टेटर के बाद में आता है दोस्तों रोटर, स्टेटर के बाद में रोटर। तो नाम से पता चल रहा है अपन को, अल्टरनेटर के अंदर जो घूमने वाला भाग है वो क्या कहलाएगा, रोटर कहलाएगा। और यहाँ पे देखो दोस्तों ये रोटर है, ठीक है, ये जो बनावट है ना इसकी संरचना, इसको आप माइंड में बिठाओ, इस बनावट इस संरचना को जो है माइंड में बिठाओ, इससे जो है काफ़ी क्वेश्चन आपके कंपिटिशन एग्जाम के क्लियर हो सकते हैं, और अल्टरनेटर जो है काफ़ी इजीली समझ में भी आ सकता है आपको। तो ये जो रोटर है, यहाँ पे रोटर को अपन देखो, ये रोटर के ऊपर फील्ड वाइंडिंग स्थापित करते हैं, देखो रोटर पर फील्ड वाइंडिंग स्थापित की जाती है, कर रहे हैं ना। अगर आपको ये डायग्राम याद है तो आप सिंपली इसका आंसर दे सकते हो, रोटर पे अपन फील्ड वाइंडिंग स्थापित कर रहे हैं, ठीक है, फील्ड वाइंडिंग।
रोटर से घूर्णनमान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। अब देखो दोस्तों, रोटर को अपन क्या कर रहे हैं, डीसी सप्लाई दे रहे हैं, तो रोटर से क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इससे रोटर को यदि अपन घुमाएंगे तो घूर्णनमान, एक घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र जो है सामान्यतः इससे उत्पन्न होगा, घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र को अपन घुमाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र को घुमाएंगे, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र को सामान्यतः घुमाया जाता है, ऑल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र को सामान्यतः घुमाया जाता है। क्यों घुमाया जाता है, घुमाने से चुंबकीय क्षेत्र को ही क्यों घुमाया जाता है, इसके क्या लाभ है, ये अपन आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो है चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करते हैं रोटर से डीसी सप्लाई देकर, ठीक है। रोटर में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ही स्टेटर चालकों को काटता है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये। यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ये किसको काटेगा दोस्तों, स्टेटर चालकों को, स्टेटर चालक या फिर आर्मेचर कुंडल, आर्मेचर वाइंडिंग या फिर जो स्टेटर कंडक्टर है, इनको, ये जो रोटर का उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, वो इनको कट करेगा। जैसे कट करेगा तो इसमें ईएमएफ बनेगा, वो ईएमएफ अपन बाहर प्राप्त कर लेंगे, तो ये रोटर होता है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, रोटर जो है अल्टरनेटर में, स्पेशली रोटर जो है वो दो प्रकार का प्रयोग किया जाता है, कौन कौन सा प्रयोग करते हैं नेक्स्ट देखते हैं अपन। तो रोटर जो है दोस्तों, सामान्यतः अल्टरनेटर में निम्न दो प्रकार के रोटर प्रयोग किए जाते हैं, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, अल्टरनेटर में निम्न दो प्रकार के रोटर प्रयोग किए जाते हैं, कौन कौन से होते हैं दोस्तों, एक होता है सिलेंड्रिकल रोटर, एक होता है सिलेंड्रिकल, और एक होता है दोस्तों सेलियंट पोल टाइप, एक होता है सिलेंड्रिकल और एक होता है सेलियंट पोल टाइप। तो सिलेंड्रिकल रोटर कैसा होता है दोस्तों, सिलेंडर के जैसा, सिलेंडर, अब आप सिलेंडर को इमेजिन करो, सिलेंडर में क्या होता है, व्यास कम, सिलेंडर में क्या होता है दोस्तों, व्यास कम तथा उसकी अक्षीय लंबाई अधिक होती है, तो व्यास तो कम होता है, अक्षीय लंबाई, ये एक तरीके से इसे पाइप की तरह होता है, थोड़ा लंबा होता है, लेकिन अक्षीय व्यास क्या होता है इसका कम, अक्षीय लंबाई ज्यादा होती है, अक्षीय लंबाई अधिक होती है, अक्षीय लेंथ जो है वो ज्यादा होती है, और डायमीटर जो है इसका कम होता है, डायमीटर कम होता है, अक्षीय लेंथ, अक्षीय लंबाई ज्यादा होती है, ये होता है सिलेंड्रिकल रोटर। यह उच्च चाल के लिए काम में लिया जाता है दोस्तों, उच्च चाल के लिए हाई स्पीड के लिए, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया ये भी, उच्च चाल के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्टीम टर्बाइन में इसी का प्रयोग किया जाता है, स्टीम टर्बाइन दोस्तों, स्टीम टर्बाइन होते हैं जिनको अपन वाष्प टर्बाइन भी बोल सकते हैं, मतलब वे टर्बाइन्स जहां पे स्टीम, मतलब वाष्प गिराकर, जैसे कोयले से बिजली बनती है ना दोस्तों, कोयले से या फिर यूरेनियम से जो बिजली बनती है, वहां पे क्या होता है, पानी को गर्म करके वाष्प बनाई जाती है, फिर उस वाष्प को टर्बाइन के ऊपर गिराया जाता है। तो जहां पे वाष्प टर्बाइन या स्टीम टर्बाइन जो प्रयोग किए जाते हैं, वहां पे जो रोटर होता है वो कैसा होता है दोस्तों, बेलनाकार रोटर होता है, क्योंकि वहां पे उच्च चाल प्राप्त होती है अपन को, वाष्प जो होता है ना, वाष्प से अपन को उच्च चाल प्राप्त होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, सेकंड प्रकार का होता है रोटर, उसे अपन बोलते हैं सेलियंट प्रकार का रोटर, सेलियंट पोल टाइप रोटर। ये क्या होता है, जैसे जैसे थोड़ा सा चौड़ा होता है और लंबाई उसकी कम होती है, लंबाई जो है उसकी कम होती है और व्यास अधिक होता है, ये जैसे व्यास हो गया इसका, व्यास तो क्या होता है ज्यादा होता है, और अक्षीय लंबाई क्या होती है कम होती है, ये लंबाई कम होती है तो इसका व्यास अधिक होता है, डायमीटर जो है वो अधिक होता है और अक्षीय लंबाई कम होती है, उन्हें बोलते हैं अपन सेलियंट पोल टाइप रोटर, ठीक है। ये निम्न चाल के लिए, ये जो है निम्न चाल के लिए प्रयोग होते हैं, हाइड्रो टर्बाइन क्या होता है, जहां पे पानी से बिजली बनाते हैं, डायरेक्टली अपन पानी गिराते हैं टर्बाइन के ऊपर, जिस टर्बाइन के ऊपर अपन पानी गिराते हैं डायरेक्टली, उनको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रो टर्बाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, हाइड्रो टर्बाइन, या फिर टर्बो अल्टरनेटर्स में इसका प्रयोग होता है। तो हाइड्रो टर्बाइन जो है वहां पे जो अपन सेलिएंट पोल का, और जो वाष्प या स्टीम टर्बाइन है वहां पे जो है अपन सिलेंड्रिकल रोटर का प्रयोग करते हैं। चलो ठीक है दोस्तों, उतारो ने तो अल्टरनेटर के भागों में तीसरा भाग होता है दोस्तों एक्साइटर, उत्तेजक, एक्साइटर मतलब एक्साइट कर देना, उसको उत्तेजित कर देना, उत्तेजित करने का मतलब दोस्तों यहाँ पे होता है चुंबकित करना, उत्तेजित करना मतलब यहाँ पे चुंबकित करना। तो दोस्तों देखो, इसके द्वारा रोटर को
डीसी सप्लाई, याद रखना दोस्तों, रोटर को हमेशा डीसी सप्लाई प्रदान करके उसमें उसमें पोल्स पोल्स कहें तो चुंबकीय क्षेत्र, एक तरीके से पोल्स पोल्स बनाए जाते हैं, अर्थात अपन बोल सकते हैं, अर्थात रोटर को चुंबकित किया जाता है, चुंबकित या फिर रोटर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, चुंबकित मैग्नेटाइज, उसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करते हैं अपन, रोटर को चुंबकित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, होता क्या है एक्साइटर, एक्साइटर के लिए यहां उत्तेजित कर रहे हैं अपन, डीसी सप्लाई देंगे, तो डीसी सप्लाई देने के लिए दोस्तों एक्साइटर के रूप में सामान्यतः डीसी संट अथवा डीसी कंपाउंड जनित्र का प्रयोग किया जाता है। अल्टरनेटर में दोस्तों याद रखना, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, अल्टरनेटर में जो है एक्साइटर के लिए सामान्यतः डीसी संट या फिर डीसी कंपाउंड जनित्र का जो है अपन इस्तेमाल करते हैं, डीसी संट या फिर कंपाउंड का, बैटरी वगैरह का भी अपन कर सकते हैं, लेकिन बैटरी जो है अल्टरनेटर बहुत बड़ी मशीन है, वहां पे बैटरी से काम नहीं चलेगा अपना, वहां पे डीसी संट या फिर कंपाउंड जो है जनित्र ही अपन प्रयोग करेंगे। यदि कोई छोटी मशीनरी है, छोटा जनरेटर है, छोटा अल्टरनेटर है, तो उसको उत्तेजित करने के लिए अपन सेल या बैटरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बैटरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं छोटी अल्टरनेटर्स के लिए, लेकिन बड़े अल्टरनेटर्स के लिए डीसी संट या फिर डीसी कंपाउंड जनित्र का इस्तेमाल करते हैं। यस, उतारो इसे। नेक्स्ट दोस्तों, अब देखो स्टेटर के बारे में पढ़ लिया अपन ने, रोटर के बारे में पढ़ लिया और एक्साइटर के बारे में पढ़ लिया। रोटर के बारे में अपन ने देखा कि जो रोटर है इसको अपन घुमाते हैं, रोटर को अपन घुमाते हैं, इसलिए इसको रोटर बोलते हैं, और यहीं पे अपन चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों यह है कि चुंबकीय क्षेत्र को जो है इस रोटर पे ही क्यों स्थापित किया जाता है, अपन चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर भी स्थापित कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों, इस रोटर के ऊपर ही चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करते हैं, क्योंकि इसके देखो कुछ लाभ है जो है अपन नेक्स्ट अभी पढ़ेंगे। यस, देखो दोस्तों, अल्टरनेटर में घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र प्रयोग करने के लाभ, अल्टरनेटर में घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र, ये जो चुंबकीय क्षेत्र को अपन घुमा रहे हैं, तो घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को जो अपन रोटेट करवा रहे हैं, उसके क्या प्रॉफिट है, उसके क्या लाभ है, क्या एडवांटेज है, उसके बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट होता है दोस्तों, रोटर छोटा होने के कारण उच्च चाल पर घुमाया जा सकता है। देखो दोस्तों, अगर अपन मान लो आर्मेचर वाइंडिंग यहाँ पे स्थापित करेंगे, तो रोटर क्या होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर उसको घुमाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी अपन ने क्या किया, रोटर पे फील्ड वाइंडिंग स्थापित की, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए वाइंडिंग अपन ने स्थापित की, तो ये जो रोटर है वो बिल्कुल छोटा रहेगा, रोटर क्या रहेगा, छोटा रहेगा, तो छोटे रोटर को घुमाना बहुत ज्यादा आसान रहेगा, इसको अपन उच्च चाल पे घुमा सकते हैं, रोटर क्या रहेगा, हल्का होने की वजह से अपन इसको उच्च चाल पर घुमा सकते हैं। तो फर्स्ट प्रॉफिट था, रोटर छोटा होने के कारण उच्च चाल पर घुमा सकते हैं अपन, उच्च चाल पर घुमा सकते हैं, रोटर को घुमाना है तो इसको उच्च चाल पे अपन घुमा सकते हैं। सेकेंड है दोस्तों, रोटर को डीसी सप्लाई प्रदान करने के लिए केवल दो स्लिप रिंग की आवश्यकता होगी। अरे कौन सी सप्लाई दे रहे हैं अपन, डीसी सप्लाई, रोटर को अपन डीसी सप्लाई दे रहे हैं, कौन सी सप्लाई दे रहे हैं दोस्तों, डीसी सप्लाई। ये देखो, डीसी सप्लाई में क्या होता है, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, तो प्लस और माइनस, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, अतः अपन को केवल और केवल दो स्लिप रिंग की आवश्यकता होगी। चाहे से आर्मेचर वाइंडिंग स्टार में कनेक्टेड हो या फिर डेल्टा में कनेक्टेड हो, यहाँ पे जो है यदि घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अपन को चाहिए, अपन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अपन यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो केवल और केवल दो स्लिप रिंग जो है अपन को पर्याप्त होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, स्टेटर में अधिक चालक स्थापित कर सकते हैं, अधिक चालक,
अब दोस्तों चालक ज्यादा होंगे तो अधिक विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होगा उसमें, स्टेटर में अधिक चालक स्थापित कर पाएंगे जिसके कारण स्टेटर चालकों में अधिक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। यस दोस्तों, ये जो स्टेटर है, यदि अपन रोटर को यहाँ पे बना दिए, चुंबकीय क्षेत्र को यहाँ बना दिया, तो आर्मेचर चालक कहाँ, स्टेटर पे स्थापित करेंगे अपन। अब जब रोटर अपन ने यहाँ चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कर दिया तो आर्मेचर चालक स्थापित करने के लिए अपन को ये जगह मिलेगी, यानी कि स्टेटर में अपन को ज्यादा चालक स्थापित करने के लिए जगह मिल जाएगी। स्टेटर में अपन को ज्यादा चालक स्थापित करने के लिए, ये स्टेटर, यहाँ अपन को जगह मिलेगी आर्मेचर चालक स्थापित करने के लिए। अब यहाँ पे अपन अधिक संख्या में आर्मेचर चालक स्थापित कर सकते हैं दोस्तों, और आपको पता है जितने ज्यादा चालक होंगे उतना ही उत्पन्न विद्युत वाहक बल, तीन फेज एसी वोल्टेज, जो एसी वोल्टेज उत्पन्न होगा वो उतना ही ज्यादा होगा। जितने ज्यादा अपन चालक स्थापित करेंगे उतना ही ज्यादा यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है अपन को मिलेगा, ठीक है, ये एक प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट देखो दोस्तों, स्टेटर में उत्पन्न एसी विद्युत वाहक बल को सीधे ही आउटपुट पे प्राप्त कर लेंगे। यस, नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ स्टेटर पे जो एसी विद्युत वाहक बल वो मिल रहा है उसको अपन सीधे ही आउटपुट पे प्राप्त कर लेंगे, ना तो किसी स्लिप रिंग, कम्यूटेटर, किसी चीज की जरूरत नहीं है। एसी वोल्टेज उत्पन्न होगा आर्मेचर चालकों में, एसी वोल्टेज उत्पन्न होगा और उसको अपन क्या करेंगे, डायरेक्टली आउटपुट पे प्राप्त कर लेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, स्टेटर में अधिक इंसुलेशन भी स्थापित किया जा सकता है। यस, ये अधिक इंसुलेशन, ध्यान दो दोस्तों, अधिक इंसुलेशन क्यों बोल रहा है, आपको पता है अपन स्टेटर में आर्मेचर चालक स्थापित किए, आर्मेचर चालकों में क्या हुआ, वोल्टेज उत्पन्न हुआ। अब आपको पता है वोल्टेज ज्यादा उत्पन्न होगा तो अपन को ज्यादा इंसुलेशन की जरूरत पड़ेगी। अरे ज्यादा वोल्टेज उत्पन्न होगा ना, जैसे मान लो केबल है, जितने ज्यादा वोल्टेज की केबल होगी उसके ऊपर इंसुलेशन जो है उतना ही ज्यादा होगा, ज्यादा होता है नहीं होता, तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जितना ज्यादा वोल्टेज उत्पन्न होगा उतना ही ज्यादा इंसुलेशन भी स्थापित करने की जरूरत पड़ेगी। अब चूंकि ये स्टेटर है तो स्टेटर के ऊपर जो है अपन अधिक इंसुलेशन भी आसानी से स्थापित कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेज होते हैं जो एक घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र स्थापित प्रयोग करने की वजह से ये एडवांटेज जो है अपन को प्राप्त होते हैं यहाँ पे, ठीक है, उतारो इनको। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।